आज हमारी पंचवर्षीय योजना पूरी हुई है, मतलब दैट मीन्स हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए, फर्स्ट 5 ईयर्स। एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज तो प्लान में अब ऐसा है कि आज हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे रूफ टॉप पे बुक किया हुआ है, वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह होगा। उसके बाद हम लोगों को कहीं और जाना है, उसके बाद शाम को मूवी देखने जाएंगे। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था चिकपी और उसके साथ ब्रेड थी, मतलब एक तरीके से आप हमस ब्रेड समझ लो, और ये पोटैटो का कुछ डूडू कुछ है। अब ऐसा लगता है कि अगर आपको अमीर दिखना है तो आप मेन्यू में से ऐसा खाना ऑर्डर करो कि जिसका नाम आपको गूगल करना पड़े, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको गूगल करना पड़े, तो आप अमीर हो, वरना आप गरीब हो। तो आपके 5 साल पूरे हो गए, कुछ कहना चाहेंगी? हैं? क्या लग रहा है? ऐसे आवाज में वो खनक तो नहीं आ रही है? हैं? अब नेक्स्ट, अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। तो हम लोगों ने बुक किया है एविल डेड राइज, हॉरर मूवी दिखा रहा हूँ। सोचा 5 साल से जो हॉरर मैंने देखा है, थोड़ा इनको भी थोड़ा फील हो कि हॉरर के साथ रहना और हॉरर देखना कैसा फील होता है। ओके, सो मूवी ख़त्म हो गई और मैंने इस एविल डेड राइज की बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए मैंने एनिवर्सरी के दिन ये मूवी बुक करी थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके सी मूवी थी। हॉरर का मतलब होता है कि आपको, मतलब इट शुड हैव सम काइंड ऑफ जंप स्केयर्स, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो सब होना चाहिए। मेरे लिए, मुझे पर्सनली ऐसी हॉरर मूवी पसंद आती है जो बिना ज़्यादा शोर शराबे के आपको डरा के जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आई थिंक तुम्बाड वाज वन ऑफ दैट, और इंग्लिश में आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वो था जो सुपर नेचुरल पे था, वो कौन सा मूवी था प्रियंका, जो सुपर नेचुरल वाला था, नाम याद नहीं आ रहा उसका, वैसा था। तो वो सारी चीज़ें दैट एक्चुअली स्केयर्स मी। एक खून खराबा करके तो तुम क्या ही स्केयर कर लोगे, समझ नहीं आता। इट वॉज मोर ऑफ अ गोर देन हॉरर। अच्छा, टाइम गेस करो आप लोग, क्या टाइम हुआ है अभी? और अगर मैं आपको ये बताऊं, स्पेशली जो लोग यूके में नहीं रहते उन लोगों को, अगर मैं ये कहूं कि अभी रात के ऑलमोस्ट 8:30 बज गए हैं, तो ये देख लो आप लोग। तो यहाँ पे यूके में, आई डोंट नो, सिर्फ यूके में नहीं, मतलब इस रीजन में समर्स में रात को 10-10 बजे तक उजाला रहता है, और जब विंटर्स होते हैं तो दोपहर के 3 बजे में ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है।